राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय पांच। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय पांच। नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था और यह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इसराइली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इसराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इसराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इसराइल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इसराइल में भविष्यवक्ता तो है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे बालक के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दलबल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होमबलि व मेलबलि न चढ़ाएगा। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यो मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब
यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उसमें से कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुछ कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से दो जवान मेरे यहां अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और दो जोड़े वस्त्र दे। नामा ने कहा, दो किक्कार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके दो किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर दो जोड़े वस्त्र समेत अपने को दो सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया।